हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सुपर सॉफ्ट कोकोनट डोसा रेसिपी और उसी के साथ एक संदेशी चाटनी रेसिपी कोकोनट की। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हमें उम्मीद है सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे एक कप राइस। राइस को भिगो के रखना है कम से कम आधा घंटा, आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं। इसी के साथ मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून मेथी और फिर इसे हम भिगो के रखेंगे। तब तक राइस भीग रहा है, हम एक चटनी बना लेते हैं। तो पैन में डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल और फिर यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों। इसी के साथ मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून क्यूमिन और इसके साथ मैं ऐड करूंगी लहसुन। ये कोकोनट की चाटनी होगी फ्रेंड्स। कुछ सेकंड के लिए बस हल्का सा फ्राई कर लेंगे। कोकोनट की चाटनी ना इस डोसा के साथ ज़बरदस्त लगेंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे और डाल देंगे कोकोनट। यहाँ पे कोकोनट को अगर आप ग्रेट कर सकते हैं तो भी चलेगा या ऐसे ही काट कर ले। फिर इसे अच्छे से फ्राई कर ले। ऐसे फ्राई करके कोकोनट की इस सौंधी सी चाटनी रेसिपी को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं डाल दूंगी 2 टीस्पून जैसा मूंगफली। ज़बरदस्त लगेंगे इस चाटनी की रेसिपी। कोई भी डोसा के साथ इस चाटनी को आप सर्व कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बस इसे एक बार ट्राई कीजिए। जैसे कोकोनट की कलर हल्का सा चेंज हो जाएगी तो फिर हम इसे निकालेंगे। तो ये जो है ना, इसे हमने अच्छे से फ्राई कर ली है और फ्राई करने के बाद इसे हमें पेस्ट बना लेना है। तो इस सौंधी सी चाटनी जो है वो बहुत ही जल्दी से रेडी भी हो जाता है। तो यहाँ पे मिक्सिंग बाउल में हम इसे डाल देंगे। मिक्सिंग बाउल में डालने के बाद फिर इसके साथ कुछ और चीज़ हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली। यह अपने तीखा के अनुसार आप कम या ज़्यादा ऐड करें। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी धनिया पत्ता और यहाँ पर हल्का सा खट्टापन देने के लिए इमली के पल्प मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी और इसी के साथ 1/2 टीस्पून नमक। फिर पानी डाल के इसके हम पेस्ट बना लेंगे। अलग से तड़का डालने की ज़रूरत नहीं है और ये सौंधी सी चाटनी बनके रेडी है। आप इसे कोई भी डोसा के साथ इस चाटनी को सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 1 कप पोहा। पोहा को हमने अच्छे से धो ली है और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी 1 कप कोकोनट। 1 कप पोहा और 1 कप कोकोनट के साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। तो मेज़रमेंट आपको सही से करना होगा, तभी बैटर अच्छी बनेंगी तो डोसा भी ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छे से हमने पेस्ट बना ली है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन के रेडी है। और फिर हम चावल को भी पेस्ट बना के लेंगे। तो यहाँ पे जो चावल है अच्छे से भीग चुका है, आप इसे 30 मिनट्स कम से कम भिगो के रखें तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाते हैं। ओवरनाइट भी आप इसे भिगो के रख सकते हैं। जो चावल है ना, उसी के साथ आप मेथी यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी पानी और फिर अच्छे से हमने इसकी भी पेस्ट बना ली है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पेस्ट बन के तैयार है फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको पेस्ट बना लेना है और इसके मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक और फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। डोसा की जो बैटर है वो आप देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, ना बहुत ही ज़्यादा ठीक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है, वो आप देख ही सकते हैं। इस डोसा की रेसिपी को फ्रेंड्स आप एक बार ट्राई कीजिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हेल्दी भी है इसी के साथ साथ। तो देखिए, अच्छे से हमने दोनों चीज़ को मिक्स कर ली है। अब यहाँ पर इसे ऐड करना है 1 टीस्पून इनो। इनो की जगह आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सब पानी ऊपर से डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिला देंगे। कोकोनट के इस डोसा की रेसिपी के साथ एक जबरदस्त हमने चटनी भी बनाई है। फटाफट से इस रेसिपी बन जाते हैं तो आप इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अब यहाँ पे एक पैन ली है और पैन को हमने बहुत अच्छे से गर्म कर ली है और फिर डोसा की बैटर हमने डाल दी है। 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम में आपको रखना है। तो यहाँ पे इसके कवर को बंद करें और 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम में ऐसे ही
स्टीम होने दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही फटाफट बन जाते हैं, अंदर बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है और एकदम फ्लॉफी सॉफ्ट डोसा बनकर रेडी हो जाता है। 5 मिनट बाद फिर इसके कवर को ओपन करें, फिर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, बढ़िया, नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया इस डोसा बन के रेडी है। फटाफट से इस डोसा के साथ इस चटनी को सर्व कर सकते हैं या कोई भी आलू की सब्जी के साथ भी इस डोसा को सर्व किया जाता है। तो आप देख सकते हैं उतने से बैटर में हमने कितना सारा डोसा बना के रेडी की है और नीचे से क्रिस्पी भी है और ऊपर से सॉफ्ट भी है और इसकी ससौंदी सी चटनी भी रेसिपी तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी तरीके से ईजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।